सर्दी बढ़ने के साथ ही जयपुर शहर के रैन बसेरों में अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अपने रैन बसेरों की क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 2 रैन बसेरों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे रैन बसेरे में अब 100 लोग ठहर सकेंगे। वहीं खासा कोठी पुलिया के नीचे बने आश्रय स्थल में अब 150 लोग रात को आश्रय ले सकेंगे। हालांकि ये रैन बसेरे अभी भी कम पड़ रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की ओर से शहर में 4 अस्थायी रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। निगम प्रशासन ने पिछले साल नवंबर में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे, खासा कोठी पुलिया के नीचे, परमानंद हॉल सहकार मार्ग पर और हसनपुरा पुलिया के नीचे अस्थायी रैन बसेरे शुरू किए थे। इन सभी रैन बसेरों में करीब 280 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई, लेकिन सर्दी बढ़ने लगी तो ये रैन बसेरे कम पड़ने लगे। ऐसे में निगम प्रशासन ने अब सर्दी के अंतिम दौर में इन अस्थायी आश्रय स्थलों की क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी सिर्फ 2 ही आश्रय स्थलों की क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे करीब 70 लोगों को और रात में आश्रय मिल सकेगा। निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि अत्यधिक सर्दी और शीतलहर को देखते हुए बेघर लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए रैन बसेरों की क्षमता बढ़ाई गई है।